ये बोल रहे हैं कि अल्पेश ठाकुर ने ये बोला, नहीं, वो बोला, वो देखिए बोला। बिल्कुल मैं एक बात कहूंगा, किसी जिस प्रकार का रेप हुआ वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार किया जाए, फांसी दी जाए। 7 सितंबर को बिहारियों को मारने के लिए कांग्रेस भी समर्थन कर रही है और वो भी कह रही है उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। को बेरोजगार यात्रा थी और बेरोजगार यात्रा में ये गुजरात के सीएम को ऐसा बोला था कि आपने 85% गुजरातियों को नौकरी की एक परिपत्र है, तो उसके बारे में ये बोल रहे थे किसी को निकाल दो ना रखो, ऐसा एक भी स्टेटमेंट है तो अल्पेश ठाकुर को जो कायदे सर आपको करना है करो। ये अल्पेश ठाकुर की जितनी लोकप्रियता बढ़ रही है ये इनका काम है। जब बिहार में भी लालू प्रसाद यादव जी लोगों को राज्य से निकाला जा रहा है, आपको लोकप्रियता दिखाई दे रही है, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुप हो जाइए मुकेश, ये भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ लोकप्रियता दिखाई दे रही है अल्पेश ठाकुर की। अल्पेश ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लानिंग एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लानिंग एजेंडा है। समय पात्र जवाब दीजिए, आपके राज्य में अपराध होगा उसकी जवाबदेही आपकी होगी ना। मैं तो बोल रहा हूँ राज्य का अपराध होगा, पानी नहीं आएगा कांग्रेस का नाम लेके। देखिए 14 महीने की बच्ची के साथ आपके राज्य में अपराध, 14 महीने की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उससे जघन्य कोई अपराध नहीं, मगर एक बात, वो गिरफ्तार हुआ है जरूर, फांसी मिलेगी, मगर उसके लिए ये जो कह रहे हैं कि बिहारियों को मारना चाहिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये देखिए ये जो कह रहे हैं कि बिहारियों को मारना चाहिए मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं इसका समर्थन नहीं करता। जो रेपिस्ट है उसको सजा मिलना चाहिए, पूरे राज्य को, पूरे राज्य को मारा जाए, इस कांग्रेस के स्टैंड से और मुकेश जी के स्टैंड से मैं सहमत नहीं। मैंने अभी आरजेडी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा और मैं कांग्रेस के भी एक प्रवक्ता से यह सवाल पूछता हूं, दोनों बिहार के करेंगे तब तक इनकी दुकान चालू रहेगी, 7 दिन तक कुछ नहीं किया बिहार के, बिहार के प्रभारी और सहप्रभारी जो कांग्रेस पार्टी के, जो रोहन जी कह रहे हैं इसमें दम है क्या सर? सुन नहीं पा रहा हूं क्या कह रहे हैं रोहन जी? एक सेकंड रोहन जी कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री डरते हैं कि अगर वो इन बिहारियों को अपील करके रोकते तो जो लोग उनके वोट बैंक है उनकी नाराजगी मोल लेते, इसलिए उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई है ना, मतलब ये भड़काया है प्लीज कीजिए, मतलब आप सुनिए जरा बिहार के लोगों और उत्तर प्रदेश के लोगों, अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पे बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वोट बैंक का अभियान है, आपको शामिल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बिहार, कोई भी मंत्री आज तक कोई कुछ किया नहीं है, इसका एक आसार मानते हो, इससे कोई भरोसा नहीं है।